एकेडमी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, हम लोग क्लास 9 का 17th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, राइट? बहुत अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। और आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप। मुझे इसका जो टॉपिक है, ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप टेलीस्कोप, इसका मुझे मीनिंग बताने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, क्योंकि सभी लोगों को पता है। एक्चुअली में जो टेलीस्कोप है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई इसमें समझने वाली तो बात नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं, वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, हम उस चीज को देख सकते हैं। स्काई में क्या क्या चीजें चेंजेस होते हैं, हम उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो टेलीस्कोप इज जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट। मुझे लगता है इसमें कोई डीप नहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल हम लोग इसके जो पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, फ्रॉम अर्ली डेज मैन हैज बीन क्यूरियस अबाउट द सन एज वेल एज द मून एंड द स्टार्स सीन इन द नाइट स्काई। देखिए, जो हमारी इमेजिनेशन है, या फिर हम बहुत सारी नई नई चीजों के लिए क्यूरियस होते हैं कि नहीं होते हैं। बात यहाँ पे सिर्फ ये नहीं हो रही है कि सन के बारे में जानने के लिए, मून के बारे में जानने के लिए, या स्टार्स के बारे में जानने के लिए। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी नई चीज है, हम हर चीज के लिए क्यूरियस होते हैं। ये हमारी एबिलिटी है, ये हमारे अंदर हैबिट है, और किसी एक के अंदर नहीं, हर किसी के अंदर होती है। और ये कोई आज की जनरेशन की नहीं है, ये जब से इंसान ह्यूमन की पूरा पूरा रिप्रोडक्शन हुआ है, तब से लेकर आज तक और आने वाली जनरेशन तक ये एबिलिटी ह्यूमन के अंदर रहेगी, क्यूरियोसिटी, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो। यूजिंग हिज बाउंडलेस इमेजिनेशन ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड द स्काई एज ऑब्जर्व बाय द नेकेड आई। अब देखिए, इमेजिनेशन की कोई बाउंडेशन तो होती नहीं है, जितना चाहे इमेजिनेशन करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, राइट? और इसी इमेजिनेशन को करते 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 इंसान ने बहुत कोशिश करी अपने नेकेड आई से, डायरेक्ट खुद की आई से स्काई को ऑब्जर्व करने की। ज्यादा तो नहीं ऑब्जर्व करवाया, क्योंकि हमारी नेकेड आई का जो मैग्निफिकेशन है इतना नहीं होता है कि बिल्कुल स्पेस में छाप के बिल्कुल देख ले, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ मूवमेंट को, कुछ सारी बहुत सारी चीजों को उसने नोटिस किया, जैसे कि द पोजिशन ऑफ द स्टार चेंज विद टाइम एंड हैड समथिंग टू डू विद द ऑकरेंस ऑफ सीजन। जैसे हम लोग स्टार्स की बात करें, जो स्टार्स की पोजीशन होती है डे बाय डे चेंज होती है। किसी को पता हो, सब लोगों को पता होगा वैसे तो, अगर नहीं है, डाउट है, रात को जाइए देखिए स्टार्स की पोजीशन। 2 दिन लगातार आप स्टार्स को देखिए, अब क्या नोटिस करोगे कि जो स्टार्स की पोजीशन है डे बाय डे क्या होती है, चेंज होती है। सेम एज इट इज यहाँ पर सीजन के अकॉर्डिंग भी बात करें तो जो सीजन आते हैं, जैसे हमारा ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ये रेनी सीजन, यहाँ पर भी स्टार्स की जो पोजीशन है उसमें भी चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। एज द नॉलेज ऑफ द साइकिल ऑफ सीजन वॉज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर, स्काई वॉचिंग बिगेन टू प्रूव यूजफुल टू हिम। देखिए, जो फार्मर्स होते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे ज्यादा लोग फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो एग्रीकल्चर करने के लिए लोगों को साइकिल ऑफ सीजन पता होना बहुत जरूरी है कि कब मानसून आएगा, कब सर्दियां आएंगी, कब गर्मी आएंगी। तो सीजन की साइकिल तो जरूरी थी। तो सीजन देखने के लिए वो लोग जो सन की डायरेक्शन है प्लस क्लाउड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस चीज को वो ऑब्जर्व करते थे। क्योंकि जब स्काई में बहुत सारे बादल आएंगे तभी बारिश पड़ेगी, राइट? जो सन की डायरेक्शन है आपने देखी है, सर्दियों में थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आता है और गर्मियों में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि गर्मियों में एज इक्वेटर पे आ जाता है, राइट? और यहीं पर हम थोड़ा सा विंटर सीजन की बात करें तो इक्वेटर से चला जाता है। ज्योग्राफिकल बता दिया मैंने, मैं ऐसे नहीं बता रही, ज्योग्राफिकल बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर जब साइकिल ऑफ सीजन को वो लोग नोटिस करते थे, तो सीजन की साइकिल को नोटिस करते करते उन्होंने स्काई में बहुत सारे चेंजेस को भी ऑब्जर्व। द पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिलेशन ऑल्सो यूजफुल टू सी गर्ड्स फॉर नेविगेशन। यही पर हम कॉन्स्टिलेशन की बात करें, कॉन्स्टिलेशन आप लोग समझते हैं, जैसे बहुत सारे स्टार्स मिलके कोई किसी की और शेप बनाते हैं, राइट? जैसे उर्सा, सुना होगा आप लोगों ने, उर्सा मेजर, उर्सा मेजर एक कॉन्स्टिलेशन है। यही पर सप्तऋषि,
ऋषि भी एक कॉन्स्टेलेशन है, कहा जाता है कि ये सात तारों का एक ग्रुप है। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टार्स, जो कि एक पूरी एक पोजीशन बनाते हैं, आई मीन जिसे एक कह सकते हैं डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक। तो ये जो सी गॉड्स होते हैं, सी गॉड्स का मतलब है जो समुद्र में यात्रा करते हैं, उन लोगों के नेविगेशन के लिए कि किस डायरेक्शन में जाना है उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं। मैन बिगिन टू मेक डिटरमाइंड एफर्ट्स टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस व्हिच अराउज आउट ऑफ हिज स्काई। और इसी चीज को देखते हुए इंसानों ने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए कि जो स्काई में ये सब हम लोग देखते हैं, इतने सारे चेंजेस होते हैं, क्यों? राइट, क्वेश्चन अराइज हो गया क्यों, लेकिन आंसर नहीं था। और इसी आंसर्स को पाने के लिए उसने अपने पूरे एफर्ट्स लगा डाले, बट ही डिड नॉट हैव एनी इक्विपमेंट टू गेट अ क्लोजर व्यू ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट इन द स्काई। लेकिन पहले के टाइमिंग पर भले ही वो कितने भी एफर्ट्स लगा लें, लेकिन उनके पास स्टार्स और प्लैनेट्स को क्लोजर व्यू से देखने का कोई भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट नहीं था। पहले के टाइमिंग की बात करें, आज के नहीं, आज में तो हमारे साथ भी इतने सारे हैं इक्विपमेंट्स की पूछे ही नहीं। टुडे 400 ईयर्स आफ्टर गैलीलियोस यूज ऑफ द टेलीस्कोप, आज से 400 साल पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप का यूज किया था। ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी एंड इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन द होल। और जब गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप का यूज किया, उसके बाद ये टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी अपनी प्रोग्रेस करती चली गई। और आज के टाइमिंग पर आप देख सकते हैं स्पेस साइंस या फिर पूरी जो स्पेस साइंस की टेक्नोलॉजी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप। दिस ग्रेट लीप इन टेक्नोलॉजी हैज हेल्प टू कंस्ट्रक्ट फॉर अस एन आउटस्टैंडिंग एस्टॉन्डिंग पिक्चर ऑफ यूनिवर्स। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर रिसर्च पर्पस बट ऑल्सो हेल्प टू प्रोवाइड अस विद मेनी ऑफ द कम्फर्ट्स एंड फैसिलिटीज वी इंजॉय इन आर डेली लाइफ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमारी इस पूरी टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी धीरे 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 करके ग्रो होती चली गई, तो हम लोगों ने इस पूरे यूनिवर्स की एक आउटस्टैंडिंग पिक्चर हमें मिल गई, कंस्ट्रक्ट कर ली। कर ली है कि नहीं करी? आपने देखा है पूरा यूनिवर्स, आप देखिए बीच में सेंटर में हमारा सन है, फिर उसके लाइन वाइज हमारे जो सारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो क्या है ये यूनिवर्स की पिक्चर है, और ये हमें कैसे मिली, ये टेलीस्कोप का यूज करके मिली। और स्पेस साइंस की टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ रिसर्च के पर्पस से जरूरी नहीं है कि हमें जानना है, हमारी क्यूरियोसिटी है क्या होता है स्पेस में, नहीं। मेन चीज ये है कि आज के टाइमिंग पर आपको जितने भी कंफर्ट्स मिल रहे हैं ना, आप ये जो नेट चला रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, टीवी है, मोबाइल फोन्स है, आपको इसके जो सिग्नल्स मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं, जो आपके स्पेस में सैटेलाइट्स प्रेजेंट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अगर हम ये स्पेस के बारे में नहीं जानकारी निकालते, जितनी भी चीजें इंफॉर्मेशन, क्या हम इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को क्या स्पेस में भेज पाते? नहीं भेज पाते। और जब ये सैटेलाइट स्पेस में नहीं गए, तो हम जो आज के टाइमिंग पे जो इतना ह्यूज नेटवर्क यूज कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल फोन्स एंड वाईफाई का, इंटरनेट का, कर पाते हैं? कभी नहीं कर पाते, राइट? हम आज के टाइमिंग पे जो डेवलपमेंट है वो हमारा हो ही नहीं पाता। तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के पर्पस से ही नहीं, बल्कि आज के टाइमिंग पे जो हमें कंफर्ट्स और फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये भी हमें किसके लिए वजह से है, टेलीस्कोप की वजह से ही मिली है। तो टेलीस्कोप को हल्के में ना लें, बड़े इम्पोर्टेंट है, और टेलीस्कोप हमारा स्पेस को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। इन 1608 अ स्पेक्टिकल मेकर एंड रिसर्चर हैंस लिप्रेशी डिस्कवर्ड दैट सीन थ्रू टू लेंसेस कैप्ट वन बिहाइंड द अदर सीम्स टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू अस। 1608 में
एक प्रैक्टिकल मेकर और रिसर्चर थे जिनका नाम था हैंस लिप्रेशी। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम टू लेंस को एक दूसरे के सामने, यानी कि एक लेंस यहाँ इस तरीके से रखें और दूर की चीजों को देखने की कोशिश करें, तो वो जो दूर की चीजें ऑब्जेक्ट है वो हमें पास नजर आने लगेगी। ऐसा ही तो होता है। अभी हम लोग यहाँ पे स्पेक्स पहनते हैं, क्या होता है इन स्पेक्स में, आप खुद देखिए। ये स्पेक्स क्या करते हैं, दूर की चीजों को पास नियर ला देते हैं, जिसकी वजह से वो हमें क्लियर दिखाई देने लगती है। ही दस मेड द फर्स्ट टेलीस्कोप। और इसी पूरी जो लेंस को एक दूसरे सामने रखने का जो कॉन्सेप्ट था ना, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके उन्होंने अपना फर्स्ट टेलीस्कोप बनाया। गैलीलियो मेड अ टेलीस्कोप इन 1609। जो गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था वो 1609 में बनाया था, एंड यूज फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन। देखिए, सबसे पहले टेलीस्कोप की बात करेंगे तो वो हैंस लिप्रेशी है, रिसर्चर ने बनाया था, लेकिन उन्होंने स्पेस को ऑब्जर्व करके नहीं बना, स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने बस ये कहा था कि कोई जो दूर की चीजें हैं जो हमें क्लियर नहीं दिख पाती है, तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम दो लेंस को साथ के साथ रखें तो वो हमें नियर दिखाई देगी। लेकिन जो गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था 1609 में, वो फर्स्ट टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन फर्स्ट टेलीस्कोप था स्पेस को ऑब्जर्व करने वाला। राइट, तो क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा है। नाउ ही रियलाइज्ड दैट देयर आर मेनी मोर स्टार देन व्हाट कुड बी सीन विद नेकेड आईज। फिर उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया और बताया कि हम लोगों को स्काई में जितने स्टार्स दिखते हैं ना, उससे कई ज्यादा स्टार्स स्पेस में प्रेजेंट है, क्योंकि हमें सिर्फ वो स्टार्स दिखते हैं जो थोड़ा सा पास है, जो दूर है, जिनका रिफ्लेक्शन नहीं आ पा रहा अर्थ पर, वो तो हमें दिखते ही नहीं है ना, लेकिन स्टिल हमारे स्पेस में प्रेजेंट है। तो उन्होंने इस चीज को बताया। एंड यूजिंग हिज टेलीस्कोप ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द मून ऑफ द जुपिटर एंड द ब्लैक स्पॉट ऑफ द सन। इस टेलीस्कोप के थ्रू उन्होंने मून्स ऑफ द जुपिटर, जुपिटर के मून्स जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मून्स को डिस्कवर किया। सन के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट है उसके बारे में भी इन्होंने डिस्कवर किया था। इसीलिए गैलीलियो का नाम आता है, हैंस लिप्रेशी का नहीं आता। ठीक, लेकिन हैंस लिप्रेशी का भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट। लाइट इज एन, देखिए लाइट क्या होती है, लाइट आप समझते हो रोशनी, राइट। तो ये जो लाइट है, लाइट हमें डिफरेंट सोर्सेस से मिलती है, किसी एक सोर्स से, किसी एक फॉर्म से नहीं मिलती, डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड एवरी वेव हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, और हर एक वेव की अपनी वेवलेंथ होती है। बहुत सारी लाइट की वेव्स होती हैं और हर एक वेव की वेवलेंथ इक्वल नहीं होती है। हर एक वेव की जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, डिफरेंट। आर आईज कैन सी ओनली दैट लाइट विच हैज वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। हमारी आईज उन लाइट्स को देख सकती है, सिर्फ और सिर्फ उन लाइट को देख सकती है जिनकी वेवलेंथ कितनी होगी, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में। और ऐसी ही लाइट को हम लोग बोलते हैं विजिबल रेडिएशन। ऐसी लाइट्स को हम क्या कहते हैं, विजिबल रेडिएशन, जैसे कि सन की। हाउएवर देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ अदर देन द विजिबल वंस, मोस्ट ऑफ व्हिच वी कैन नॉट सी एज आईज आर नॉट सेंसिटिव टू। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये तो होती ही होती है, राइट। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी हमारी वेव्स होंगी लाइट की, अलग डिफरेंट फॉर्म्स में, जो हमें नहीं दिखाई देती है, राइट। बहुत सारी लाइट्स हैं जो हमारे आसपास ट्रेवल कर रही है, बट क्या आपको दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से कम है, और जिसकी 400 नैनोमीटर से कम होगी उसकी मतलब उसको हम लोग क्या है, नहीं देख सकते, हमारी आईज नहीं है कैपेबल उनको देखने के लिए।
नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10 to the power 9, ये 9 है, 10 to the power 9 मीटर, और 1 picometer की वैल्यू होती है, यूनिट होती है 10 to the power 12 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिए। कुछ वेव्स हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स की हमारी जो लेंथ, वेवलेंथ होती है 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। माइक्रोवेव्स की 0.3 mm से 20 सेंटीमीटर है। इंफ्रावेड की 800 से 0.3 है। विजिबल लाइट रेज की 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होनी चाहिए। यूवी रेज की आपकी 300 पिकोमीटर से 400 नैनोमीटर है। एक्स रेज की आपकी 3 पिकोमीटर से 300 पिकोमीटर तक है। और गामा रेज होती है शॉर्टर देन पिकोमीटर, जो गामा रेज है वो शॉर्टर होती है पिकोमीटर से। वेवलेंथ आप जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ज्यादातर आपका यूवी रेज और माइक्रोवेव का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूवी रेज और माइक्रोवेव, और इसमें से एक इंफ्रावेव रेज का हमेशा पूछ ही लेते हैं। ऑफ ऑल द अबव टाइप्स आर आईज आर ओनली कैपेबल ऑफ सीइंग द विजिबल रेडिएशन। देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारी जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की वेव्स के बारे में देखा, लेकिन हमारी आईज सिर्फ और सिर्फ कौन सी रेडिएशन को देख सकती है? विजिबल रेडिएशन को। यहाँ पे था ना विजिबल लाइट रेज, प्लीज, विजिबल लाइट रेज, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर है। दस वी यूज द विजिबल रेडिएशन टेलीस्कोप। इसीलिए हम लोग जो रेडिएशन का यूज करते हैं टेलीस्कोप में, वो होती है विजिबल रेडिएशन, क्योंकि बाकी अदर वेव्स का यूज करेंगे रेडिएशंस का तो भाई हमें तो दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमारी आईज कैपेबल नहीं है। हमारी आईज सिर्फ और सिर्फ किसी रेडिएशंस को देखने के लिए कैपेबल है? विजिबल रेडिएशन को। इसलिए टेलीस्कोप में विजिबल लाइट रेज का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप मेड फ्रॉम रेगुलर लेंसेज और मिरर टू सी द विजिबल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द स्पेस। इस टेलीस्कोप को हम लोग ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा बना होता है, ये हमारे दो लेंस से या फिर मिरर से बना होता है, और उसमें जो भी स्पेस से हमारी रेडिएशंस आ रही हो रही हैं, विजिबल रेडिएशंस, वो हम लोग क्या है उसको देख सकते हैं। हाउएवर मेनी हेवनली बॉडीज एमिट रेडिएशंस अदर देन द विजिबल लाइट। इसके अलावा बहुत सारी अदर हेवनली बॉडीज होती हैं जो खुद की अपनी रेडिएशंस को एमिट करती हैं, रिलीज करती हैं। एमिट का रिलीज करना, जो हमें दिखाई नहीं देती, वो विजिबल नहीं होती है, वो मतलब उनकी जो वेवलेंथ है कम होती है, जिसकी वजह से वो हमें नहीं दिखाई देती। दस वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप लाइक द एक्सरे, गामा रे, रेडियो टेलीस्कोप टू रिसीव सच रेडिएशन एंड स्टडी देयर सोर्सेस। तो इसीलिए हम लोगों को अलग अलग वेव को देखने के लिए अलग अलग टेलीस्कोप की भी जरूरत पड़ती है। जैसे एक्सरे हुआ, गामा रेज हुआ, रेडियो टेलीस्कोप हुआ, इन सारी रेडिएशंस को रिसीव करने के लिए हमें अलग अलग टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। एक टेलीस्कोप का यूज हम लोग नहीं कर सकते। टाइप्स पर आ जाते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हर एक रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए हमें डिफरेंट टेलीस्कोप की जरूरत है। तो उस जो डिफरेंट टेलीस्कोप है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला आता है आपका ऑप्टिकल टेलीस्कोप। मोस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप आर मेड विथ टू और मोर लेंसेज एज शोन इन फिगर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा जो आपको दिखाया गया ना टेलीस्कोप, ये दिस इज नॉट अ टेलीस्कोप, एक सेकेंड। स्टार्टिंग में था, यहाँ पे देखिए, ये जो स्टार्टिंग में आपको टेलीस्कोप दिख रहा था ना, जो गैलीलियो वाला दिखाया था, ये था आपका। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, ये हमारा दो या दो से ज्यादा लेंसेस से मिलके बना होता है, यानी कि इसमें दो लेंस भी एक साथ लगे रह सकते हैं। अगर नीड है तो दो से ज्यादा, यानी कि 3 से 4 भी हो सकते हैं। टू कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ हेवनली ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। अब यहाँ स्पेस से जितनी भी रेडिएशन आ रही है, बहुत सारी रेडिएशन आ रही है, लाइट कमिंग हो रही है, हमारे एंटर हो रही है अर्थ में,
उनको कलेक्ट करने के लिए, देखने के लिए हमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज करते हैं इस ऑप्टिकल लेंस में, वो जितना ज्यादा आप बड़ा बना सकते हैं उतने बड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं इतने दूर से बना दिया और हमें पता ही नहीं चला। जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज होगा, लार्ज साइज होगा, उतनी ज्यादा हम लोग स्पेस से जो लाइट आ रही है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग द लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव अ स्मॉलर लेंस कॉल्ड द आईपीस एंड द प्रोड्यूसेस अ लार्ज इमेज ऑफ द सोर्स। अब यहाँ पर क्या क्या किया है, यूजिंग द लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव अ स्मॉलर लेंस, हमने जो लाइट यहाँ पर क्या किया है, हम जो लाइट कलेक्ट करते हैं ना स्मॉलर लेंस का यूज करके, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, स्मॉलर लेंस से हमने क्या किया, उस लाइट को कलेक्ट कर लिया, उसे हम बोलते हैं आईपीस। इसे हम क्या बोलेंगे, आईपीस बोलेंगे। जो कि क्या करता है, आपको पता ही है ना कि सारी की सारी रेडिएशन आपने ये पढ़ाई है, जैसे लेंस है यहाँ पे बहुत सारी रेडिएशन आ रही है, जो लेंस के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे वो क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और जब हम उसकी दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें लार्ज दिखाई देने लगता है, क्योंकि यहाँ से आए तरीके से वो फैल जाए। ये तो आपने पढ़ाई है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे आपका ये सोर्स ऑफ लाइट है, सपोज करो यहाँ से लाइट आ रही है बहुत सारी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगा है, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरीके से आके एक पॉइंट पे मीट हो गई। यहाँ पर ये आई पीस है, यानी कि हम यहाँ से ये देख रहे हैं, और फिर जब ये हमारी आई पीस के अंदर एंटर होंगी तो ये क्या है, स्कैटर्ड हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी, और जब ये लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी तो इमेज क्या है, हमें बड़ी तो दिखाई देगी, छोटी थोड़ी ना दिखाई देगी, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या यही बोला गया था कि स्मॉलर लेंस में सारी की सारी लाइट कलेक्ट होगी, जिसको हम लोग आई पीस बोलते हैं, क्योंकि हमारे आई पीस का जो लेंस है वो तो स्मॉल ही होता है ना कंपेरिजन टू लार्ज। देन एंड जो हमारी सोर्स की इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। लाइट रेज चेंज देयर डायरेक्शन एज दे एंटर अ लेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड अगेन व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। जो हमारी लाइट रेज होती है जब वो हमारे लेंस में, कोई लेंस रखा हुआ है उस लेंस के अंदर एंटर करती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, और दोबारा से जब वो लेंस को क्रॉस करके जाती है तो दोबारा से अपनी पोजीशन को क्या करती है, चेंज कर लेती है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि सबसे पहले स्कैटर्ड होके आ रही थी, जैसे ही उन्होंने लेंस को क्रॉस किया पहले वो एक पॉइंट पे आके मिल गई, डायरेक्शन चेंज कर ली ना, पोजीशन चेंज कर ली, दोबारा से जब उन्होंने हमारे आई पीस के लेंस में एंटर किया तो दोबारा से उन्होंने राइज, उस रेज ने क्या किया, अपनी रेज को क्या कर लिया, स्कैटर कर लिया, पोजीशन चेंज कर ली, जिसकी वजह से जो इमेज बनी हमें लार्ज बनी। तो जैसे ही हमारी कोई भी रेज किसी भी लेंस में एंटर होती है तो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। Hence, such telescopes are called refracting telescope. और ऐसे टेलीस्कोप को हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। We shall study image formation by lenses in that study. देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये लेंस का बताया, अब यहाँ पर ये देखो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, ये एक लेंस लगा हुआ है पहले, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, यानी कि जो हमारा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, कम से कम दो लेंस तो हम यूज करते ही करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी लाइट्स आ रही थी, लाइट्स आने के बाद इन्होंने क्या है कि थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करी, इधर उधर स्कैटर्ड हो गई, फिर दोबारा से इन्होंने दूसरी लेंस को क्रॉस किया, दूसरी लेंस को क्रॉस करने के बाद दोबारा से ये स्ट्रेट चली गई, अपनी पोजिशन चेंज कर ली, पहले इधर उधर यूं हो रही थी फिर स्ट्रेट चली गई, और स्ट्रेट जाने के बाद जो पीछे जो इमेज बनी, जो हम आई से देख रहे हैं, वो कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इवन दो सच अ टेलीस्कोप इज यूजफुल फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन इट प्रेजेंट सर्टेन डिफिकल्टीज। यहाँ पर क्या होता है, इवन दो सच अ टेलीस्कोप इज यूजफुल, देखिए ये जो टेलीस्कोप है ये हमारे स्पेस के लिए यूजफुल तो है, काफी सारे ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज भी होती हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात हो रही है, हमारा फायदा हो रहा है। आप लोगों ने ये तो जानते ही है कि अगर किसी चीज का फायदा है तो किसी चीज का नुकसान भी है, एज यू। तो वो क्या डिफिकल्टीज हैं, वो क्या हार्म्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, एज वी सॉ अबव, इफ वी विश टू ऑब्टेन अ ब्राइट इमेज ऑफ अ सोर्स बाय कलेक्टिंग द मैक्सिमम पॉसिबल लाइट फ्रॉम इट, द ऑब्जेक्टिंग लेंस मस्ट बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल, एंड हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक वेरी लार्ज लेंस, ऑल्सो लार्ज लेंसेज आर वेरी हैवी एंड टेंड टू गेट डिस्टॉर्टेड। देखिए, जब हम ऊपर देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी लाइट्स आ रही है, बहुत, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है। आप लोगों ने काउंट देखा नहीं है, मतलब किसी ने नहीं देखा स्पेस का एंड कहाँ है, हमें तो ये भी नहीं पता। तो समझ सकते हैं कि स्पेस जब इतना बड़ा है तो लाइट भी बहुत सारी है। तो हम क्या सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट करें और वहां जो इमेज है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको हम देख सकते हैं, राइट। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इमेज को समझने, मतलब कलेक्ट करने के लिए भी तो आपको भाई बड़े लेंस की जरूरत होगी। जितना बड़ा लेंस होगा उतनी बड़ी, उतनी ज्यादा लाइट कलेक्ट होंगी, उतनी ज्यादा इमेज बनेगी। और ऐसे लेंस को, इतने बड़े लेंस को बनाना पॉसिबल नहीं है। सपोज करो कि ये पूरा एक रूम की बराबर, राइट, एक रूम सभी लोग का एक जानते हैं, एक रूम की बराबर भी अगर लेंस बनाया जाए कि पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन डिफिकल्टीज कितनी होगी। तो टूटने का डर तो पहले ही आ जाएगा, टूटने का डर तो पहले ही आ जाएगा। हैवी अलग होगा, जो भारी होगा कि तो बात ही छोड़ दो, दूसरा जब वो हैवी होगा तो उसे इतना बड़ा टेलीस्कोप में लगाएंगे कैसे, जब वो इतना भारी है तो इतने बड़े टेलीस्कोप में कैसे लगाएंगे, और टेलीस्कोप भी इतने साइज का बनाना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमने लेंस बना दिया और बस ठीक है काम हो गया। जितना बड़ा लेंस उतना बड़ा टेलीस्कोप भी चाहिए, जितना उसमें हैवी है उतना उसका वजन फिर टेलीस्कोप भी होना चाहिए उस लेंस को संभालने के लिए। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतने बड़े लेंस को बनाओ इतनी सारी लाइट को कलेक्ट करने के लिए। तो ये क्या एक तरीके से डिफिकल्टी है? ऐसी बात नहीं कि नहीं बने, बने हैं, लेकिन कितनी डिफिकल्टीज के साथ बनाए गए होंगे ये सोचने वाली बात है, राइट। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया है। इसके अलावा इसमें और भी पॉइंट्स हैं, डिफिकल्टीज के सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो भी डिफिकल्टीज है हम लोग उसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इतना पूरा आप लोग पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा भाई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन वीडियो से, जिसमें हम लोग जो और डिफिकल्टीज हैं टेलीस्कोप की उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।